कोशिश और लक्ष्य, जिद और जोश, उद्यम और उत्साह, जज्बा और जीत, ये पहचान है युवा भारत की, ये मिसाल है नए भारत की। हमारी युवा शक्ति पूरी दुनिया में आशा और विश्वास भरती है। आज कौशल विकास से लेकर नवाचार और स्टार्टअप तक, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार युवाओं की आकांक्षा, ऊर्जा और उत्साह को अवसरों से जोड़ रहा है। पिछले 9 सालों में सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास के विजन के साथ ऐसी नीतियां तैयार की गईं और निर्णय लिए गए जिनसे रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार और उद्यमिता के लिए बड़े पैमाने पर मौके बने। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक अभूतपूर्व स्पीड और स्केल से बदलाव हुए हैं जिन्होंने रोजगार सृजन में निर्णायक भूमिका निभाई है। 9 सालों में 10वीं से बढ़कर भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। वैश्विक संस्थाएं आज भारत को ब्राइट स्पॉट बता रही हैं। दुनिया की जानी मानी कंपनियां भारत में अपनी यूनिट स्थापित कर रही हैं। पिछले 9 वर्षों में लगभग $600 बिलियन का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है, जो अभूतपूर्व है। आज देश में एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हुआ है जिसमें युवाओं के लिए असीमित संभावनाएं और उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत रोजगार मेला समयबद्ध और ट्रांसपेरेंट तरीके से 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए की गई एक अहम पहल है। साथियों, युवाओं को अवसर देने और देश के विकास में उनके सामर्थ्य का उपयोग करने की दिशा में रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकारी और पब्लिक सेक्टर के अनेक संस्थान अपना योगदान दे रहे हैं। रोजगार मेले के तहत भारत और राज्य सरकारों द्वारा हजारों युवाओं को हर महीने नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। 2014 से 2023 तक के 9 वर्षों में SSC, UPSC और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 8,82,000 से अधिक सरकारी पदों पर नियुक्तियां की हैं, जो कि पिछली सरकार के 9 वर्षों की तुलना में 26% से भी अधिक हैं। गत 9 वर्षों में मार्च 2023 तक SSC द्वारा की गई भर्तियां 58% बढ़कर 4 लाख से भी अधिक हो चुकी हैं। सरकार में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा सके, इसके लिए सभी नव नियुक्तों को ऑनलाइन पोर्टल कर्मयोगी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वर्तमान में 10 लाख से भी अधिक कर्मयोगी इस पोर्टल पर प्रशिक्षण पा रहे हैं। Right now, I got selected in the Income Tax Department as Tax Assistant. This Rojgar Mela had made me enormously happy. There was no roadblock and I got my appointment letters in a time-bound and hassle-free manner. Rojgar Mela, Udhampur mein mujhe yeh niyukti patra vitrit kiya gaya hai. Shri Mananiya Pradhan Mantri Narendra Modi ji dwara. So, iske liye sir, main unka bahut bahut aabhar vyakt karta hu aur Bharat Sarkar ka bahut aabhar vyakt karta hu. Amrit Kaal mein, hamare yuva karma yogi भारत की विकास यात्रा को और गति देंगे और हमारी समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देगी।